हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं फ़िलहाल हूँ टारगेट में और मुझे यहाँ से शॉपिंग करनी थी समर की, साथ ही साथ कुछ कॉस्मेटिक, ग्रॉसरी और कुछ टॉयज़ लेने हैं। सो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे इस बार क्या समर की वैरायटीज़ आई हैं क्लॉथ्स में, और वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स बिगिन। सो फिलहाल मैं फर्निशिंग सेक्शन में हूँ और समर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छे वैरायटीज़ आए हुए हैं। सो अगर आपको डेकोरेशन का शौक़ है मेरी तरीके से, तो टारगेट में बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मुझे दिखे, आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हैं। यूजुअली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब भी शॉपिंग के लिए जाती हूँ, कुछ लिस्ट मेरा और प्रिपरेशन रहता है, मगर उसके अलावा और भी कुछ एक आध आइटम मैं ले ही लेती हूँ। यूजुअली आई थिंक सबके साथ ही ऐसा होता होगा। तो मैं आ गई हूँ ब्यूटी सेक्शन में और मुझे यहाँ से कुछ काजल लेना था, नेल्स लेना था और कुछ मुझे एक हाथ लोशन देखना है। सो वो उसे मैं यहाँ से फटाफट लूँगी और फिर आगे बढ़ेंगे। सो डेली यूज़ के लिए मुझे मेबलिन का काजल बहुत अच्छा लगता है। सो वो मैं देख रही थी और मुझे पर्टिकुलर उसमें एक नंबर है, मुझे वो चाहिए था। बट इसके मैंने वो काजल तो ले लिया, उसके अलावा मैंने एक और भी मेबलिन के ही ट्राई किया है, लिया है, और उसे मैं ट्राई करके देखती हूँ। अगर अच्छा होगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे यहाँ पर एक डेली यूज़ के लिए कॉम्पैक्ट चाहिए था, तो वो मुझे समझ में नहीं आया है। यूजुअली मैं सफोरा या अल्टा ब्यूटी से लेती हूँ, बिकॉज़ वहाँ पर वो लोग बहुत अच्छे से ट्रायल देते हैं। सो मुझे समझ में नहीं आया, तो फिलहाल मैंने इसे ड्रॉप कर दिया है। मे बी नेक्स्ट टाइम देखते हैं, अगर यहाँ कुछ पसंद समझ में आया तो हम लेंगे। मुझे स्मॉल कप चाहिए था, जो अपने इंडियंस कप होते हैं स्मॉल साइज़ के, तो वो मैं देखूंगी आगे अगर मुझे यहाँ पे मिलता है, बिकॉज़ मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया बट मुझे नहीं दिखा है अभी तक। सो टॉय सेक्शन में मैं आ गई हूँ और टॉय सेक्शन में मुझे थोड़े से एक्टिविटी वाले टॉयज़ चाहिए थे, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें करने के हो और उसमें बच्चे एंगेज हो सके। तो वैसा मैं कुछ सर्च कर रही हूँ यहाँ पे, आई होप मुझे यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएगा। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे कुछ चीज़ें दिखी थी, तो मैंने सोचा कि यहीं से ही आके लेना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो डॉल सेक्शन है, इतना बड़ा डॉल सेक्शन और इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे डॉल्स थे, तो मैंने भी यहाँ से दो डॉल उठा लिए अपने घर के दीदियों के बच्चियों के लिए। तो ये वाला जो टॉय है, लास्ट टाइम मैं इसे लेके गई थी बट मुझे नहीं समझ में आया, तो मुझे ये रिटर्न कर दिया मैंने। और देखते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पे मिल सकती हैं। आई थिंक अगर कुछ स्लाइडर मुझे मिल जाए तो अच्छा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है और कुछ इसमें एक्टिविटी भी दिख रहा है स्मॉल सा, आई थिंक ये मुझे लेना चाहिए। ओह माय गॉड, यहाँ पे जे के कितने सारे ऑप्शंस हैं। कोकोमेलन, आपको पता होगा कि फर्स्ट बर्थडे में मैंने कोकोमेलन का थीम रखा था, और उस समय मैं इतना ज़्यादा सर्च कर रही थी कि मुझे इसका टॉय मिल जाए, बट मुझे कहीं पे भी नहीं मिला था। वॉलमार्ट, अमेज़ॉन में आउट ऑफ स्टॉक था, और यहाँ पे इतने सारे मुझे अभी आज ऑप्शन दिख रहे हैं। एक्चुअली ये इसके लिए यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं। Like
लाइटर दिख रहा है और यस यहाँ पे ये स्लाइटर रखा हुआ है और दिस विल सॉल्व माई पर्पस। सो मैंने ये स्लाइटर भी ले लिया है, इसके अलावा कुछ और टॉयज़ लिए हैं और आगे अब हम चलते हैं समर क्लॉथ शॉपिंग के लिए। सो यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छे वैरायटी, बहुत ही समर के इतने प्यारे प्यारे कलर्स के टी शर्ट्स आए हुए हैं, मुझे बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं और इतने कम रेट में है, $6-$7, $9 में बहुत ही अच्छे अच्छे टी शर्ट्स के ऑप्शंस हैं। सो ऑलमोस्ट मेरी शॉपिंग हो गई है, बस अब लास्ट में मैं ग्रॉसरी की कुछ शॉपिंग करूँगी और आपसे मैं मिलती हूँ घर पे। सो वहाँ से मैंने ये एक इस बार लिया है, फर्स्ट टाइम मैं इसे ट्राई करूँगी किसका ये है, प्रेस ऑन नेल्स और रेडी टू वियर रहता है ये, बहुत ही ईजिली मैंने एक वीडियो बनाया था शॉर्ट नेल्स को कैसे हम लॉन्गर लुक दे सकते हैं, उसमें मैंने एक अमेजोन से स्टिकर ला के यूज़ किया था, उस स्टिकर के हेल्प से आप नेल्स फॉल्स नेल्स लगा सकते हैं और वो अगर आप चाहें तो उसे 2 हफ्ते तक, वो एटलीस्ट 2 वीक तक रहता है और जब आप उसे निकालेंगे तो आपके नेल्स बिल्कुल नहीं ख़राब होंगे। सो ग्लू से काफ़ी नेल्स ख़राब हो जाते हैं। सेकेंड मुझे इसका बेनिफिट क्या लगता है कि अगर आपके घर में बेबी है तो बेबी को नेल से लगने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, कई बार लग भी जाता है, सो हम नेल्स काफ़ी टाइम तक बड़े नहीं रख सकते, हमें कट करना ही पड़ता है एटलीस्ट जब तक आपका बेबी बड़ा ना हो जाए। सो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको कभी किसी पार्टीज़ वार्टीज़ में जाना है तो आप इसे लगाइए, आके घर पे आप इसे रिमूव कर दीजिए, बहुत ही ईजली रहता है। अब ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, इसका भी मैं रिव्यू शेयर करूँगी अपने सेकेंड चैनल पर। सो हाँ, और मैं अपने सेकेंड चैनल पर मैंने उसका रिव्यू शेयर किया था, आप डेफिनेटली चेक करिएगा अगर आपको नेल्स के शौक हैं तो, लॉन्ग नेल्स के शौक है तो टेम्परेरीली ये बहुत ही अच्छा वो है, फ़ायदा है और इससे आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज़ दिस, फर्स्ट टाइम मैं इसे यूज़ करूँगी और पहले मैं कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट ही बताती हूँ और उसके बाद मैंने मेबलिन का ये 900 डीप ऑक्सी का काजल लिया है और उसी तरीके से मैंने ये एक 2 काजल लिए हैं मैबलिन के, तो मैं इसे ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ, ये बहुत ही अच्छा काजल है, 860 इसका नंबर है, 860 मैबलिन जेट ब्लैक, तो ये बहुत अच्छा काजल है और इस टाइम मैंने एक ये लिया है मैबलिन 900, तो इसे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। सो अगर इसका रिव्यू आप चेक करना चाहें तो ये सारे रिव्यूज़, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ मैं अपने सेकेंड चैनल पे अपलोड करती हूँ तो आप उसे डेफिनेटली। उसके अलावा मैंने वहाँ से बहुत सारे टी शर्ट्स इस बार लिए, गर्मी के हिसाब से इतने प्यारे प्यारे बच्चों के टी शर्ट्स आए हुए हैं। सो ये मैं आपको कैमरा चेंज करके दिखाती हूँ बिकॉज ऐसे मैं पूरा कवर नहीं कर पाएगा। सो सबसे पहला ये टी शर्ट है और बहुत ही प्यारा टी शर्ट है, वाइट कलर का, वाइट बहुत अच्छा लगता है गर्मी में, पॉपअप कलर से इसमें हार्ट बना है लव मोर करके, फैब्रिक बहुत अच्छा है इसका। सो ये एक मैंने टी शर्ट लिया है, उसका अमाउंट आई थिंक इसमें तो अमाउंट नहीं लिखा है और मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा कि ये कितने का लिया मैंने, दूसरा टी शर्ट देख के मैं आपको बताती हूँ कि ये कितने का था। तो ये एक बहुत प्यारा सा टी शर्ट लिया मैंने वहाँ से। सो ये एक टी शर्ट है और बहुत प्यारा टी शर्ट है ये, इस टाइप के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं गर्मी में स्पेशली। सो ये मुझे मिला है, आई थिंक ये टी शर्ट भी सिर्फ अराउंड $4 का ही था, तो ये बहुत प्यारा लगा मुझे, तो $4-$5 में बहुत अच्छे अच्छे टी शर्ट्स मुझे वहाँ से मिल गए, घर पहनने के लिए तो बहुत ही अच्छा है नो डाउट, और बच्चों पर भी इस टाइप के कलर्स गर्मी में बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरा ये एक है स्लीवलेस है, तो ये स्लीवलेस भी बहुत अच्छा लगता है मुझे गर्मी में इस टाइप के, क्योंकि बहुत ज़्यादा कभी यहाँ पे गर्मी हो जाती है, तो एक ये टी शर्ट लिया। मैं आपको सिर्फ टी शर्ट्स दिखाती हूँ, रेंज मैंने आपको बता दिया, सारे टी शर्ट कुछ उसी ही रेंज में है, जैसे ये देखिए स्लीवलेस था तो ये $3 में मुझे मिल गया। सो घर पहनने के लिए तो बहुत ही अच्छे अमाउंट में बहुत प्यारे प्यारे वहाँ पर टी शर्ट्स मिल रहे हैं, डेफ़िनेटली अगर आपको भी ऐसा कुछ लेना है घर पहनाने के लिए बच्चों को, क्योंकि बच्चों को बहुत कपड़े लगते हैं, तो आप ले सकते हैं। और दूसरा एक ये, और सारे टी शर्ट्स मैं थोड़े बड़े ही लेती हूँ, जैसे कि ये 18 मंथ्स का है, सो अगेन ये बहुत अच्छा लगा मुझे, वाइट कलर, मुझे इस टाइप के कलर्स गर्मी में बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर ये स्लीवलेस एक टी शर्ट है, गुड डे लिखा है इसमें, गुड डेज आहेड, सो ये और काफ़ी अच्छा फील होता है, लुक वाइज भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। सो घर पहनाने के लिए तो इस टाइप के कपड़े बहुत ही अच्छे हैं। और उसके बाद फुल पैंट एक ऐसा है वहाँ पे मैंने ले लिया ये, कि घर पहनाने के लिए ये एक मुझे ठीक लगा, और इसी तरीके से फिर मैंने वहाँ पे एक ये एक लिया है। सो इसका अमाउंट है $4, सो ये $4-$5 में बहुत ही अच्छे टी शर्ट्स मेरे को मिल गए और ये 2 पजामे बहुत अच्छे मिल गए।
उसके बाद मैंने ये डिज्नी के दो डॉल लिए हैं। सो एक ये है, बहुत ही प्यारी डॉल थी, और दूसरी डॉल ये है। सो ये मैंने अपनी बेटी दीदी की बेटी के लिए लिया है। सो ये दो डॉल मुझे बहुत अच्छी लगी, दोनों को मैं एक एक देने का सोच रही हूँ जब भी इंडिया जाएंगे। और टॉयज़ में मैंने ये व्हील्स वाले लिए हैं एक, और इसके अलावा जो मैंने वहाँ पे आपको ट्रक दिखाया था वो ट्रक लिया है, और मुझे स्लाइडर भी मिल गया था तो मैंने ये स्लाइडर ले लिया है। तो आई होप अभी फ़िलहाल तो ये टॉयज़ लेकर आई हूँ, और आई होप इसमें थोड़ा सा बच्चे इंगेज हो पाएंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा पार्क चले गए थे, तो वहाँ के मैंने थोड़े से क्लिप लिए हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप इसे एंजॉय करिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।